तो एसी को ऑफ भी करवा, बस इतनी गर्मी क्या चीज को मैंने भगवान ने डाली अच्छा कोई बात नहीं, दो चार दिन और रहेगी, बाद में भेज देना। नहीं जी, अब हम गीता को कभी नहीं भेजेंगे। ये क्या कह रहे हो आप कि गीता को नहीं भेजेंगे? ऐसी क्या बात हो गई? अरे यहाँ से तो ठीक ठाक गई थी, खुशी खुशी गई थी, आखिर बात क्या हो गई ऐसी हम जो भेजोगे नहीं? वो तो खुश है पर हम खुश नहीं है। अरे आप कमाल करते हो, मैं कुछ समझा नहीं। समझाना समझना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए, वरना अपनी बहू को भूल जाओ। कमाल है ये लड़की वाले, कुछ देने से तो गए, उल्टा एसी मेरे से मांग रहे। कमाल कर दिया भाई। अरे लड़की वाले तो हमेशा लड़की को देते हैं, ये उल्टा जमाना आ गया, लड़की वाले दे ही मांग रहे उल्टा मेरे से, वो भी एसी। हजार दो हजार दस हजार का कूलर मांग लेते तो मैं सोच रहा था चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट एसी। आगे पता नहीं क्या मांगेंगे, ये तो कुछ भी मांग सकते हैं। आज एसी मांग रहा है, कल गाड़ी भी मांग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अपने पास जमाना बदल चुका है। अरे बेटा रमेश। जी पिताजी। बेटा रमेश मुझे एक बात बिल्कुल सच सच बताना, बहू के साथ तेरा कोई झगड़ा बड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं तो पिताजी, बल्कि वो तो बड़े खुशी खुशी अपने घर रही है, कह रही थी बड़े दिनों बाद अपने मम्मी पापा से मिलना है ना इसलिए। पर बात क्या हुई, कुछ बात तो बताओ। बेटा उनका मेरे पास फोन आया था, कह रहे थे अब हम बहू को नहीं भेजेंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहे थे पहले तो हमें एसी दिलाओ। मैंने कहा उल्टा काम कर रहे हो यार, एसी तुम्हें उल्टा मुझे देना चाहिए, तुम उल्टा मुझसे मांग रहे हो। और बता कहूँ तो कहूँ क्या। लेकिन पापा ऐसे कैसे हो सकता है, और गीता को तो सब पता है, शादी का कर्जा भी उतरा नहीं, और वो एसी की डिमांड कैसे कर सकते हैं? ये तो गीता की गलती है सारा सर। गलती है? गलता है, इतना उल्टा काम कर रहे हैं। अरे आज बाप बेटा में क्या चल रहा है? अरे चल क्या रहा, इसकी ससुराल से फोन आया, मैंने अचानक से फोन उठा लिया, बोले डायरेक्ट कि हम गीता को नहीं भेजेंगे। मैंने सोची नॉर्मली बोल रहे हैं गीता को ना भेजेंगे, मैंने सोची मैं एक काम करके भैया दो चार दिन बाद भेज दी। बोले बिल्कुल ही नहीं भेजेंगे। भैया ऐसी क्या बात होगी, बिल्कुल नहीं भेजेंगे, अरे हमें ऐसी चीज है। अरे मैंने कहा उल्टा काम कर रहे हो, लड़की वाले दहेज देते हैं ही देते हैं। मैंने कहा जी हम तो ले ले ऐसी, और तुरंत फोन काटते हैं। भाई इसमें तो सरासर हमारी बहू की गलती है। अजी ये भी तो हो सकता है कि बहू को इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। ये कमाल है, वाह भाई वाह, तू भी कमाल ही कर रही है। तू पहली सास है जो अपनी बहू पे इतना विश्वास कर रही है, वाह कमाल करती है भाई तू। क्या हुआ पापा, क्या डिस्कस हो रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी बात चल रही। अच्छा कुछ नहीं, दहेज की बात चल रही है, मुझे पता है। तू जानती है दहेज के बारे में? हाँ पापा, शादी के टाइम पे लड़की वाले लड़की वालों से जो डिमांड करते हैं उसे ही तो दहेज बोलते हैं। अरे वाह बेटा तू तो बड़ी होशियार है, पर हमारे साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। हम लड़के वाले हैं, दहेज हमें मांगना चाहिए, और वो दहेज लड़के वाले हमसे उल्टा मांग रहे हैं, ये हो रहा है हमारे साथ, ये डिस्कस चल रहा था यहाँ। पर पापा ये प्रथा तो कब की बंद हो चुकी है, और वैसे भी हम क्यों दहेज दें, हम तो लड़के वाले हैं, वो दहेज क्यों मांग रहे हैं हमसे? एक बात बताऊं बेटा तुम्हें, एक वक्त ऐसा था हमारे भारत का, ये अपार सोना हुआ करता था हमारे भारत, और उस टाइम पे है ना यहाँ अंग्रेजों का राज हुआ करता, और वो अंग्रेज हमारे भारत को सोने की चिड़िया प्राप्त करते थे, और उस वक्त जब शादी किया करते थे ना हम लोग दिल खोल के खर्च करते थे,
लड़की वाले भी और लड़के वाले भी आपस में एक दूसरे को महंगे से महंगे गिफ्ट पेश करते हैं। अब वो वक्त बदल चुका है, अब हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं रहा और जो दहेज की प्रथा है वो केवल लड़की वालों पर लागू होकर रहेगी। और बेटा तुझे एक बात बताऊं, जिस वक्त दहेज का भयानक रूप सामने आया ना, तो कुछ लोगों ने बच्चों को पेट में ही मारना शुरू कर दिया और इसी कारण लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। जबकि गवर्नमेंट ने अब एबॉर्शन पर रोक भी लगाई हुई है, फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे अभी भी नहीं मान रहे, इस काम को करते जा रहे, जबकि ये बहुत घिनौना पाप है। आज की डेट में लड़के लड़कियां सब एक समान है, और तो आजकल लड़कों से ज्यादा तरक्की लड़कियां करती जा रही है। बेटा अब हम लोगों को समझना चाहिए, लड़कों से ज्यादा तवज्जो हमें लड़कियों को देनी चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी नहीं समझ रहे। पर ये हमारे साथ आज उल्टा ही काम हो रहा है, लड़की वाले हमसे उल्टा दहेज मांग रहे हैं। देख लो पापा, लगता है दरवाजे पे कोई आया है, मैं देखती हूँ। ठीक है बेटा। अरे भाभी आप आओ। वो घर छोड़ आई है, आज से यही मेरा घर है, जो माँ बाप मेरा सौदा करे वो माँ बाप मेरे नहीं हो सकते। क्या कह रही है बेटा तू? आप ही मेरे माँ बाप हो, उन्होंने पापा को फोन करके जब ऐसी की मांग की मुझे बहुत दुख हुआ। देखा आपने, मैं कहती थी ना कि हो सके हमारे बहू को पता ना हो इस बात का। वाह, आज फिर एक बेटी ने अपने घर को बिखरने से बचा लिया। नारी के अटूट प्रेम का ये क्या उदाहरण देख रहा हूं मैं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आज तेरे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं, और हाँ, जो उन्होंने मुझसे डिमांड की थी ना एसी की, अब मैं अपने एसी जरूर दूंगा। पर पापा ये क्या कह रहे हो आप? तू चुप कर, अगर ये मेरी बेटी होती तो भी तो मैं देता। अरे मैं ये सोच लूंगा मेरी बेटी है, बात करूं, उन्हें तो एहसास होगा इस चीज का, समाज में भी तो उन्हें ये लगेगा, समाज भी तो उन्हें कुछ कहेगा इस बात को देख के कि अपनी बेटी के लिए दहेज मांग रहे। ऐसे लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए, और पूरा शोर मचा के कहूंगा कि एसी मैं भिजवा रहा हूं, उनका दहेज इन्होंने मांगा था मेरे से, मैंने दहेज दे रहा हूं। ऐसे लोगों को अकल आनी चाहिए।